जेजेएम में भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। सीबीआई ने जेजेएम घोटाले यानी कि जल जीवन मिशन घोटाले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्याम ट्यूबवेल कंपनी गणपति कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पूर्व मंत्री और तत्कालीन एसीएस सहित कई लोग इस मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। सीबीआई के जांच के लिए राज्य सरकार ने पहल की। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने सरकार के सामने अपना पक्ष भी रखा। घोटाले में सरकार की ओर से कार्रवाई की जानकारी दी गई। कांग्रेस के समय शिकायतों की जांच नहीं की जा रही थी, लेकिन अब चूंकि बीजेपी की सरकार है और ऐसे में डिटेल जांच भी जारी है। जेजेएम महाघोटाला, सीबीआई खोलेगी फर्जीवाड़ा। दर्ज हो गई एफआईआर, शुरू हो गई बड़ी जांच। भ्रष्ट अधिकारियों की सीबीआई खोलेगी पोल। 900 करोड़ का घोटाला किसने कर डाला? गांव के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपों की अब सीबीआई भी जांच करेगी। सीबीआई ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। सबसे पहले एसीबी ने जल जीवन मिशन में घूसखोरी और कमीशनखोरी को लेकर ट्रैप की कार्रवाई की थी और मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी अवैध रूप से धन के लेन देन का मुकदमा दर्ज किया था। दोनों एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं और अब सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया है। ईडी, एसीबी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बाद अब सीबीआई श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ठेकेदार पदमचंद जैन, महेश मित्तल की खुलेगी पोल। तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव भी घोटाले में लिप्त। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ भी जांच जारी। विभाग के 24 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ केस। 900 करोड़ के घोटाले में सीबीआई नए सिरे से करेगी जांच। दरअसल राज्य सरकार ने 18 मार्च को इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर टेंडर लेने को लेकर केस दर्ज किया गया है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों का खुलासा तब हुआ था जब पिछले साल 6 अगस्त को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पीएचईडी के एक्सईएन मायालाल सैनी और जेईएन प्रदीप कुमार को 2,20,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। ये घूस उन्हें ठेकेदार पदमचंद जैन ने दी थी। इस दौरान जब और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, तो सामने आया कि इसमें जो 900 करोड़ रुपए के करीब फर्जी जो सर्टिफिकेट हैं वो लगा करके टेंडर लिए गए हैं। जांच में ये भी पता चला था कि हरियाणा से जो चोरी के पाइप थे वो भी जल जीवन मिशन में बिछाए गए हैं। सितंबर 2023 में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 2,50,00,000 की नकदी, 1 किलो सोना जब्त किया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। इतना ही नहीं, ईडी ने इस मामले में पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के घर पर भी तलाशी ली थी। इसके अलावा महेश मित्तल, संजय बड़ाया, कल्याण सिंह कविया, विशाल सक्सेना, मायालाल सैनी, पद्मचंद जैन, सुरेश शर्मा, अमिताभ कौशिक के ठिकानों पर भी तलाशी ली थी। जांच और पूछताछ के बाद ईडी ने महेश जोशी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वे अभी तक ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं और सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। तो एक तरफ परिवहन विभाग पूरे राज्य में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की मुहिम